वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों अश्नीर ग्रोवर, इनको कौन नहीं जानता। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। उनसे पहले बहुत कम लोग इन्हें जानते थे, लेकिन उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। और आई एम श्योर आपने भारत पे के बारे में ज़रूर सुना होगा, इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। और इनके स्वभाव के कारण हमें से बहुत लोगों के ये वन ऑफ द फेवरेट शार्क निकल करके आए शार्क टैंक इंडिया के। नाउ एक दिन मैं सिंपली ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था और मैंने एक ट्वीट देखा, जहाँ पर मैंने देखा कि अश्नीर ग्रोवर जी ने अपनी एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है दोगलापन, जो कि सिंपली उन्हीं की ही बायोग्राफी है, जिसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हाउ ही वॉज किक्ड आउट ऑफ हिज ओन कंपनी। एंड वो अगेन इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि दोगलापन यानी कि जो बुक है वो एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, और अकॉर्डिंग टू अश्नीर ग्रोवर जो सेल्फ हेल्प बुक है वो खुद एक धंधा है, खुद एक बिजनेस है जिसका वो पार्ट नहीं बनना चाहते। सो यार वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दोगलापन इसी बुक से हम लोग बहुत सारे बिजनेस और लाइफ लेसन सीखने वाले हैं। वेल, हमारा पहला लेसन निकल करके आता है इस बुक में से, इनसाइड फायर। दोस्तों इस बुक में अश्नीर ग्रोवर एक बात कहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस देन यू नीड टू हैव अ हंगर, विदाउट दैट हंगर यू विल नॉट बी गो टू फार। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो अश्नीर ग्रोवर है वो कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो जो चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर वो होनी चाहिए भूख, बहुत तगड़ी भूख। विदाउट दैट हंगर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। इस बुक में अश्नीर ग्रोवर बताते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे। इसके बाद एक बार हुआ क्या था, वो वेकेशन पर कनाडा गए थे अपने अंकल के साथ, जहाँ पर उन्हें बिल्कुल ही अलग व्यू दिखा था इंडिया से, ठीक है। जिसके बाद सिंपली हुआ क्या, उनका दिमाग खुल गया, उनको पता चल गया यार दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड बहुत सी चीज़ें आउट देयर जो कि उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए। और कनाडा के बाद उनकी जो फैमिली थी वो यूके यूएसए भी गई वेकेशन के लिए, और इन्हीं सब एक्सप्लोरेशन के बेस पर जो उन्हें एक्सपीरियंस गेन हुआ उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। एंड अकॉर्डिंग टू अश्नीर ग्रोवर द हंगर कम फ्रॉम दैट कनाडा वेकेशन। जो उन्होंने हंगर की बात करी है वो उन्हें तब आई थी जब वो कनाडा वेकेशन पर गए थे। और वो सिंपली इस बुक में कहते हैं कि फॉर यू इट माइट बी डिफरेंट, इट माइट बी समथिंग एल्स। सिंपली हमारा जो पहला और इम्पॉर्टेंट लेसन निकल करके आता है वो यही है कि वेन यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस और एनीथिंग एल्स, फर्स्ट सी वेदर यू आर हंग्री फॉर इट और नॉट। जो भी आप करने जा रहे हो या फिर करने वाले हो उसके प्रति क्या आपके अंदर वो भूख है, सिंपली एज सिंपल एज दैट। हमारा सेकंड लेसन निकल करके आता है इस बुक में से, ए जॉब कैन नॉट मेक यू रिच। दोस्तों इस बुक में अश्नीर ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने पूरे 9 साल दिए थे जॉब लाइफ को। उन्होंने बताया कि वो 9 साल तक उन्होंने कई सारी जॉब्स करी एंड नाउ वो बोलते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ देन यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट फ्रॉम द जॉब। सिंपली अगर आप कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा सोच रहे हो, कोई बहुत बड़ा विजन रख रहे हो, तो यू नॉट बी एबल टू अचीव इट फ्रॉम द जॉब, यू विल हैव टू स्टार्ट ए बिजनेस अराउंड इट। और इफ़ यू वॉन्ट टू मेंटेन योर लाइफ देन यू विल बी हैप्पी विथ योर जॉब। अगर आपको सिंपली मेंटेन करके चलना है, ठीक है, तो आप जॉब में खुश रह सकते हो। और अगर आप एक ऑलरेडी छोटे मोटे बिजनेसमैन हो तो क्या चीज़ की ज़रूरत है, स्केलेबिलिटी की। आपको उसी बिजनेस को जितना हो सके आपको वे ढूंढने कि आप उसको बड़े लेवल पे कैसे लेकर के जा सकते हो, कितना ज़्यादा आप उसे स्केल कर सकते हो। बट दिस डजंट मीन यार कि यू हैव टू क्विट योर जॉब राइट नाउ एंड स्टार्ट ए बिजनेस। यहाँ पर चक्कर ये भी आ जाता है कि आप जॉब में कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, फोर्सफुली आपको नहीं करनी है चीज़ें, डू ए जॉब और अ बिजनेस दैट मेक्स यू हैप्पी। सिंपली इन सिंपल वर्ड्स में अश्नीर ग्रोवर इस बुक में बताते हैं कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब देन सेव सम मनी एंड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस अराउंड एनीथिंग, और इफ़ यू हैव इनफ मनी देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द आइडिया यू हैव। इन सिंपल वर्ड्स यार, अगर आप जॉब में हो अभी तो थोड़े पैसे बचाओ और एक बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनफ मनी है और आप थोड़ा सोच रहे हो तो आपका जो भी आइडिया है उस पर वर्क करो, ठीक है। एंड मैं उनका एक वीडियो देख रहा था अश्नीर ग्रोवर का, जहाँ पे वो एक स्टेज पे कुछ बात बोल रहे होते हैं जिसके अंदर बताते हैं कि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। आज के टाइम में आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, आइडिया आपको बतेरे मिल जाएंगे लोगों के पास। इट इज़ द गेम ऑफ एग्जीक्यूशन, आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। एंड पर्सनली मैंने भी ये चीज़ बहुत देखी है, लोगों ने उखाड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उनसे आप इसी चीज़ों बात करोगे, आपने अगर कोई आप आइडिया पे वर्क कर रहे हो तो वो लोग पता क्या बोलेंगे, यार आइडियाज़ तो मेरे पास ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे अमेजिंग आइडियाज़ है कि मैं मतलब बहुत कुछ उखाड़ लूँगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करते। सो देयर इज़ ए होल गेम ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के ऊपर, जो कि हमारा स्पेंड टाइम विद द रिच पीपल, जिसके अंदर बेसिकली अश्विनी गोवर एक इंडियन मेंटेलिटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर इंडियन पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चों को डोंट ट्राई टू स्पेंड योर टाइम विद दैट किड बिकॉज ही इज़ रिच। अगर कोई रिच बच्चा है, ठीक है, तो उसके साथ दोस्ती मत करो, वो सिंपली तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर देगा, तुम उसकी संगति में मत आओ, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे।
नाउ यहाँ पे अश्नीर ग्रोवर क्या कहते हैं, डोंट स्टॉप योर किड फ्रॉम स्पेंडिंग द टाइम विद पीपल हु आर मोर सक्सेसफुल देन यू, हु आर मोर रिचर देन यू. योर किड विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज पीपल्स एंड बाय सीइंग देयर लाइफस्टाइल योर किड माइट हैव द हंगर टू डू समथिंग बिग इन लाइफ. एंड इस चीज़ से यार हमें भी अग्री करना चाहिए. हमें अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो यार अपने बच्चों को सिंपली अगर वो किसी एक रिच बंदे के साथ बैठता है उठता है तो नहीं रोकना चाहिए. सिंपली ठीक है, सिंपली जो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है उसके साथ उसे रहने देना चाहिए. वो बच्चा बहुत कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनसे बहुत कुछ सीखेगा एंड उसके अंदर बेसिकली हो सकता है कि इसी की वजह से एक बहुत ही तेज़ हंगर डेवलप हो ताकि वो कुछ बहुत बड़ा कर सके. नाउ नेक्स्ट लेसन, डोंट बी वन मैन आर्मी. दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपने ये चीज़ बहुत देखी होगी, जैसे सपोज कोई टेस्ट होता है तो टीचर क्या कहता है, अकेले करो, खुद करो, पूरा खुद करो, एक एक प्रॉब्लम तुम्हें खुद सॉल्व करनी है. ठीक है, वेल अश्विनी गुरु यहाँ पे बताते हैं और मैं भी इस चीज़ से अग्री करता हूँ, जब बिजनेस वर्ल्ड में कोई एंटर करते हैं तो सारी चीज़ों को खुद करना मतलब काइंड ऑफ बेवकूफ़ी है. ठीक है, और वो मैनेज भी नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ यू आर सिंपली ए बिजनेस ओनर हु वॉन्ट्स टू बिल्ड एन एप्लीकेशन देन यू नो हाउ टू कोड देन स्टिल इट इज़ बेटर टू हायर समवन एल्स. दिस वे यू विल सेव टाइम एंड सेव टाइम कैन बी यूज फॉर द मोर इंपॉर्टेंट टास्क देन जस्ट सिटिंग ऑन ए चेयर टू बिल्ड एन ऐप. यहाँ पर सिंपली अश्विनी गोबर कहते हैं कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो जिसको पता है कि एप्लीकेशन को कोड कैसे करते हैं फिर भी आपको एक बंदे को हायर करना चाहिए एंड उससे वो ऐप बिल्ड करवानी चाहिए ताकि आप टाइम बचा सको और वो जो प्रीशियस टाइम है वो आप किसी और चीज़ में लगा सको. हो सकता है वो अपनी ब्रांडिंग करने में आप उस टाइम को लगा सको. ठीक है, और भी कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. ठीक है, तो आपको इस तरीके की मेंटेलिटी को अडॉप्ट करना चाहिए. ठीक है, कि मैं मतलब सब कुछ कर लूँगा, सब चीज़ें हैंडल करूँगा, सिर्फ मैं ही करूँगा. ये बहुत बड़ी गलती होती है. मैंने सेम चीज़ के बारे में मैंने सीकन चैनल पर जिशान सर से भी ये चीज़ सुनी थी कि वो शुरुआत में ये गलती कर रहे थे, वो सब चीज़ें खुद ही कर रहे थे, सभी चीज़ें खुद ही मैनेज करने की कोशिश करते थे कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा. एंड देन उन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी एंड इसको सॉल्व किया, अपने काम में डिस्ट्रीब्यूशन लाया. ठीक है, एंड चीज़ों को बांटा. सिंपली द की लेसन इज हियर, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, हायर समवन एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. ओके, लेट्स गो अहेड ऑन द नेक्स्ट लेसन, यू एंड योर कस्टमर. ऑलवेज रिमेंबर दैट बिफोर द को फाउंडर, योर एम्प्लॉयज, योर इन्वेस्टर्स, द रेगुलेटर्स, योर कंपटीशन एंड इवन वेंचर कैपिटलिस्ट, द कस्टमर शुड बी योर हाइएस्ट प्रायोरिटी. सिंपली इफ दे आर हैप्पी, इफ योर कस्टमर्स आर हैप्पी, देन एवरीवन विल बी हैप्पी, अदरवाइज यू विल हैव ए हार्ड टाइम सर्वाइविंग इन द बिजनेस वर्ल्ड. एंड दोस्तों दिस इज द रियलिटी, आपके बिजनेस के अंदर हर एक एस्पेक्ट से पहले आपकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कस्टमर्स को लेकर के होनी चाहिए. सिंपली अगर आपके कस्टमर्स खुश हैं ना तो सब कोई खुश रहेंगे. और दोस्तों बिजनेस के अंदर इससे पहले कि अर्निंग्स आपके हाथ में आए, ठीक है, ये लोग बैठे होंगे, इनका पीस मतलब इनके हिस्से का जो भी है वो उन्हें कब मिले इसके लिए. तो यहाँ पे आपको अपने आपसे क्वेश्चन पूछना है, तीन क्वेश्चन बेसिकली. पहला ये है कि आर यू ओके कैरिंग देम अलॉन्ग, इन लोगों को आप साथ में लेके चल सकते हो. दूसरा ये कि आर यू रेडी फॉर ऑल ऑफ देम टू टेक ए पीस, कुछ पोर्शन अगर आप मतलब कंफर्टेबल हो इसके साथ अगर वो ले रहे हैं तो. और तीसरा ये कि आर यू एक्साइटेड इनफ बाय वॉट इज लेफ्ट आफ्टर दे हैव टेकन देयर पीस एंड बाय द ओवरऑल अनसर्टेनिटी. क्या इसके बाद भी आप बिजनेस को लेकर अपने उतने ही एक्साइटेड हो तो आगे आप काम करो. इन शॉर्ट द रियल स्टोरीज लाइज बिटवीन यू एंड योर कस्टमर अलोन. नाउ इन लास्ट दोस्तों लास्ट लेसन मैं आपको बताऊंगा पुट फैमिली फर्स्ट का. ठीक है, फैमिली का साथ कभी मत छोड़ो. आप सिंपली अपनी फैमिली को साथ में लेकर के चलो. ठीक है, जब भी आप बिजनेस करने जा रहे हो तो अगर क्योंकि कुछ होता भी है, कुछ गड़बड़ होती भी है, तो योर फैमिली इज द फर्स्ट जो कि आपका सपोर्ट करेगी. दिस इज़ बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस जो कि अश्विनी गोवर हमें बता रहे हैं. आपके फ्रेंड्स नहीं मदद करेंगे आपकी, आपका को फाउंडर आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी. सो मेक श्योर कि आप उनके साथ खड़े हो. ठीक है, एंड ऐसा ही कुछ अश्विनी गोवर जी के साथ भी हुआ था व्हेन ही वाज़ दी मैनेजिंग डायरेक्टर एट भारत पे. तो यार हम लोगों ने यही कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को डिस्कस कर लिया. एंड अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार कि इस बुक को पढ़ो, दोगलापन बुक को पढ़ो. एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी अपने चाइल्डहुड से लेकर यहाँ तक कि उन्हें कैसे निकाला गया, उनकी खुद की ही कंपनी से बाहर होना पड़ा. तो बाकी यार कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड यार विजिट करो www.growthx.org, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बहुत ज़्यादा अमेजिंग समरीज वहाँ पे पड़ी हुई है मतलब यार पढ़ी कोई पढ़ ही नहीं था, वैसे पढ़ रहे हैं, आप भी जाओ पढ़ो. ठीक है,
आदत डालो यार टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी आप कंटेंट को कंज्यूम करने की, ठीक है। वीडियोज ही मत देखते रहो, इट इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन यार कि आप रीड आउट करने की भी कोशिश करो, ठीक है। और growthx.org पर बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग समरीज पड़ी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और अभी रिसेंटली एक पोस्ट आई है जहाँ पर हमने डिस्कस किया है टॉप बुक्स हैं जो कि साइकोलॉजी की फील्ड में आपको पढ़नी चाहिए, ओके। और जाते जाते यार कमेंट करके ज़रूर बताते जाना ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इस चैनल पर। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों आप ये चेक कर लो कि कहीं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाले हैं जो बेसिकली आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।